हे माई डीवाज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। सो आई एम बैक विद येट अनदर व्लॉग, एंड ये व्लॉग होने वाला है माई पोस्ट कास्ट रिकवरी व्लॉग। तो यस, जब मेरा कास्ट रिमूव हुआ उसके बाद मैंने कैसे रिकवर किया स्लोली एंड स्टेडली, वो सारा कुछ मैं आपसे अपने आने वाले वीडियोज़ में शेयर करूँगी। सो आई टुक अ शॉर्ट ब्रेक बिकॉज मुझे लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है मेरे चैनल पर शायद कास्ट वीडियोज़। सो आई जस्ट टुक अ शॉर्ट ब्रेक एंड पोस्टेड हेयर एंड देयर लाइक यू नो कपल ऑफ अदर वीडियोज़ अदर दैन कास्ट एंड कास्ट रिमूवल वाला स्टफ़। सो बट फ्रॉम हेयर ऑन नाउ आई एम गोइंग कंटिन्यू विद हाउ आई रिकवर्ड फ्रॉम दिस ब्रोकन लेग वाला जर्नी आई एम गोइंग शेयर, क्योंकि इट वॉज नॉट दैट ईजी। जैसा कि आप देख सकते हो कि आई एम यूजिंग एन एंकल बैंड, जैसा कि मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया बिकॉज माई लेग वॉज नॉट कम्प्लीटली हील्ड। सो बेसिकली इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा हाउ टू डू योगा एंड सूर्य नमस्कार विद अ ब्रोकन लेग। ऑल्सो आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला मुझे ऑन माई कास्ट वीडियोज़, सो आई वुड लव टू कंटिन्यू शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू गाइज पोस्ट गेटिंग द कास्ट रिमूव। सो डॉक्टर सेड दैट आई एम 65% हील्ड एंड इट विल टेक अनदर 3 to 6 months फॉर मी टू हील कम्प्लीटली। अभी कम्प्लीटली से उनका मतलब था कि वो कोई ज़रूरी नहीं है कि कम्प्लीटली हील हो, बट टाइम लगेगा धीरे धीरे नॉर्मली चलने फिरने में एंड प्रेशर डालने में पैरों पर। सो यू कैन सी हाउ इज लाइक लिम्प वॉकिंग फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। सो इट टुक टाइम फॉर मी टू करेक्ट माई बॉडी पोस्चर एंड वॉक प्रॉपरली बिकॉज I just cannot tell you guys ki how I was feeling post when my plaster was removed. It was worse than wearing a plaster. Like jab tak plaster tha tab tak dil mein fir bhi ek tasalli thi ki ab ye plaster hatega and main theek thak chalne lag jaungi, but jab plaster hata to meri situation bahut kharab thi. I was not able to keep my foot on the ground and main chal nahi pa rahi thi. Chalna to bahut dur ki baat thi, jo maine soch rakha tha na main ye karungi wo karungi bahar ghumne jaungi, matlab sari plannings mein na pani fir gaya and mera birthday month bhi aane wala tha. Like अगस्त के मंथ में मेरा प्लास्टर काटा था एंड सितंबर के मंथ में मेरा बर्थडे आने वाला था। आई वाज लाइक मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सारे सपनों पे पानी फिरने वाला है बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली। आई वाज लिम्प वॉकिंग एंड आई वाज नॉट श्योर कि कब मैं पूरी तरह से हील हो पाऊंगी, एंड दैट्स व्हेन स्लोली एंड स्टेडली आई वाज लाइक गोइंग इनटू एंग्जाइटी एंड आई वाज इनटू द लोएस्ट फेज ऑफ माई लाइफ बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। So in order to deal with my anxiety and the low wala thing that I was going through, I started practicing yoga, थोड़ा सा अनुलोम विलोम अपने आप को stress free करने के लिए, because I was like बहुत अजीब सी एक फीलिंग थी, मुझे ऐसा डर सा लग रहा था कि पता नहीं कभी फिर पहले जैसा चल पाऊंगी या नहीं, बिकॉज पैरों में बहुत ज़्यादा पेन था एंड प्रेशर डालने के लिए भी डॉक्टर ने मना किया हुआ था और स्टेयर्स से ऊपर नीचे चढ़ने के लिए भी मना किया हुआ था। एंड दिस वाज लाइक अभी जो मेरी सिचुएशन है, यू कैन सी द बॉडी पोर्शन हाउ आई एम लिम्प वॉकिंग। दिस वॉज आफ्टर कपल ऑफ डेज ऑफ गेटिंग द प्लास्टर रिमूव्ड, तो 2-3 दिन के बाद भी मैं ढंग से चल नहीं पा रही थी एंड जब प्लास्टर हटा था तब तो बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। आई वाज स्टिल यूजिंग दैट वॉकिंग फ्रेम इन ऑर्डर टू वॉक। अब फिर भी मैंने कोशिश किया कि नहीं, अब मैं खुद से चलने का ट्राई करूँगी विदाउट एनी सपोर्ट विदाउट एनी हेल्प। सो वही खुद से थोड़ा बहुत वॉक करती थी एंड आई वॉज कॉन्टिन्यूसली यूजिंग द एंकल बैंड एंड हियर आई एम प्रैक्टिसिंग सम योगा सम मेडिटेशन टू रिलैक्स एंड काम माई माइंड। ऑल्सो आप लोग सोच रहे होंगे मुझे ऐसे बैठा हुआ देखकर कि योगा करते टाइम ऐसे थोड़ी ना बैठते हैं, बट ट्रस्ट मी यू गाइज आई वॉज नॉट एबल टू फोल्ड माई लेग एंड सिट इन दैट प्रॉपर योगा वाला पोस्चर, तो मैं पैर को फैला के ही बैठ रही थी। बट स्टिल आई वॉज कीन एंड आई वॉज श्योर कि मुझे तो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना है टू लूज दैट एक्स्ट्रा वेट दैट आई हैव गेंड ड्यूरिंग दीज कपल ऑफ मंथ्स। मुझे उस चीज़ से भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, आई जस्ट वॉन्टेड टू लूज फ्यू किलोज, जो कि आई नो कि इतना ईजी नहीं था इस टाइम पर बिकॉज ऑफकोर्स आई वॉज इन दैट एक्टिव एंड अभी भी हील्ड नहीं थी प्रॉपरली, तो ऑफ कोर्स एक्टिवली मैं बहुत ज़्यादा कुछ वेट लॉस के लिए नहीं कर सकती थी। सो ट्राइंग सम कपाल भाती भैया, शायद पेट थोड़ा सा कम हो जाए ऐसा सोच करके, बिकॉज आई वॉज लाइक बहुत ज़्यादा अपसेट अबाउट द वेट गेन। भी इस टाइम पे तो हो ही जाता है ऐसा, आई गेस बहुत लोगों को ये इशू फेस होता होगा इफ़ इन केस दे आर बेड रिडन और इन केस इफ़ दे आर सफरिंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ इंजरी वेर इन दे आर नॉट एबल टू वॉक और
मूव प्रॉपरली और ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाते, तो आई एम श्योर वेट इशूज़ फेस करने पड़ते होंगे. एंड हियर कम्स माई लव, मेरा छोटू बच्चा माई पगा. एंड आज थोड़ा डांट खा रही है ये, काफ़ी शैतानी करके आई है, टेरेस पे जाके पट्टी कर दिया है. एंड जब भी ये कोई शैतानी करके आती है ना, इसे पता चल जाता है कि शायद इसे कुछ दो चार बातें सुननी पड़ जाएंगी. एंड ये बड़ी स्मार्ट है ना, बहुत बहुत इसका दिमाग इतना तेज़ है ना, आके तुरंत ना मेरे पास आके बैठ जाती है, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो. तो मेरे पास आके बैठ गई थी, आई वॉज गिविंग हर ऑल द लव दैट शी डिजर्व्स. सो नाउ लेट्स गेट बैक टू सम एक्सरसाइजिंग अगेन. लाइक और थोड़ा बहुत कपालभाति कर लिया मैंने. एंड एक्चुअली आई वॉज स्क्रॉलिंग थ्रू यूट्यूब एंड एकदम से मुझे एक लेडी का वीडियो दिखा. लाइक शी डिड 100 सूर्य नमस्कार्स इन वन डे, नहीं कुछ ऐसा ही था आई गेस. ओके, सो शी डिड 108 सूर्य नमस्कार्स फॉर 30 डेज विदाउट अ फेल एंड शी लॉस्ट फ्यू केजीज. तो अचानक से मैं वो वीडियो देखा एंड आई वॉज लाइक कि चलो थोड़ा योगा तो एटलीस्ट ट्राई कर ही सकते हैं विद अ ब्रोकन लेग. मैं बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी एक्सरसाइजेस नहीं कर सकती एंड अभी भी आई एम स्टिल इन द हीलिंग प्रोसेस. सो आई थॉट लेट्स वाई नॉट लेट्स ट्राई सम योगा एंड लेट्स ट्राई सम सूर्य नमस्कार. वो अभी आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी कि मुझसे कितने सूर्य नमस्कार हो पाए. आई मीन 108 तो छोड़ो, एक भी हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात है. तो आपको अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ वट माई सिचुएशन वॉज. सो हियर आई एम डूइंग सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बिकॉज मेरे राइट शोल्डर में बहुत ज़्यादा इंजरी, मतलब पेन हो गए. आई डोंट नो हाउ कम इट हैपेंड. मे बी वॉकिंग फ्रेम यूज़ करके वॉक करते करते इट काइंड ऑफ कॉज्ड सम सॉर्ट ऑफ इंजरी एंड जो कि विजिबल नहीं है बट काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है सिचुएशन. लाइक आई वॉज नॉट एबल टू रेज माई हैंड, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ मेरे हाथ में, क्यों ऐसा पेन हो गया. एंड या सो आई वॉज ट्राइंग टू मेक श्योर कि मेरा थोड़ा हैंड्स भी फ्री हो एंड थोड़ा मतलब मैं प्रॉपरली हैंड्स वगैरह रेस कर पाऊँ. मे बी बिकॉज आई गेन्ड सम वेट, सो दैट माइट ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजन्स कि ये सारे हेल्थ इशूज़ होने लग गए मुझे स्टार्ट. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट सूर्य नमस्कार. सो आई सॉ अनीता बुके पलीज वीडियो एंड उसके बाद मैं ऐसे स्क्रोल करते करते मैंने न जाने कितने लोगों के वीडियो देख लिए जो सबके सब सूर्य नमस्कार कर रहे हैं. किसी ने 1 वीक तक किया, किसी ने मतलब रोज़ के रोज़ 11-12 सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, यानी कि एक दिन इंक्रीज़ कर रहे हैं. सो आई वॉज लाइक यू नो ऑन ए लूप वॉचिंग दी सूर्य नमस्कार वीडियोज़ एंड आई वॉज लाइक कि चलो वाई नॉट लेट्स ट्राई इट. पहले मैं किया करती थी, बहुत आराम से कर लेती थी, बट सूर्य नमस्कार को छोड़े कर मतलब एक टाइम था जब मैं कर लेती थी आराम से, बट उसको छोड़े हुए भी काफ़ी टाइम हो गया था. लाइक 1.5 साल से ऊपर हो गया था मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था सूर्य नमस्कार एंड अदर योगा पोजेस. बट स्टिल आई वॉज लाइक कि नहीं मैं अब तो ट्राई करूँगी एंड यहाँ पर अभी आई एम अगेन ट्राइंग टू नॉट डू सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज फॉर माई लेग्स एंड एंकल. आई नो इससे लेग पर प्रेशर पड़ रहा था, बट आई वॉज लाइक कि ना मुझे जल्दी ठीक होना है, तो चाहे जो भी करके मुझे अपने पैरों हाथों को फ्री करना है एंड कुछ मूवमेंट करते रहना है करके. तो मेरा भी मन था कि मैं 108 सूर्य नमस्कार ज़रा ट्राई करके देखूं इफ़ इट इज़ इवन पॉसिबल और नॉट, या फिर सिर्फ वीडियो में ही दिखा रहे हैं. दैट लेडी शी इज़ अ ट्रेंड प्रोफेशनल आई बिलीव एंड शी नोज़ हाउ टू डू इट राइट. बट मैंने ऐसे बहुत सारे नए नए लोगों को भी देखा जिन्होंने कभी सूर्य नमस्कार नहीं किया, धड़ाधड़ 108 सूर्य नमस्कार करे जा रहे हैं एज इफ इट्स कप ऑफ टी. बट इट्स नॉट दैट ईजी. वेन आई स्टार्ट डूइंग इट दैट्स वेन आई रियलाइज कि मेरे अंदर पहले वाली स्टेमिना नहीं रह गई एंड इट वॉज नॉट ईजी टू डू सूर्य नमस्कार विद अ ब्रोकन लेग विच इज स्टिल हीलिंग. So now let's begin with the Surya Namaskars and this is going to be my very first attempt post breaking my leg post getting the cast removed of trying to do a Surya Namaskar ka pose jisme bahut sare other yoga poses involved hote hain ek Surya Namaskar ke pose mein. So it's not that easy aur ye mera first attempt dekh ke aapko pata chal jayega ki mere liye to bahut hi zyada mushkil tha. एंड ये वाला पोस्चर मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था बिकॉज एक बार अगर मैं पैर नीचे कर ले रही थी तो खड़ी नहीं हो पा रही थी, खड़ी हो रही थी तो फिर नीचे नहीं कर पा रही थी. अदर दैट ये वाले पोजेस तो मैं कर ले रही थी डाउनवर्ड डॉग पोजिशन, बट
बीच इसके पहले वाला जो दिखाया था वो पोजिशन वाली सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो रही थी टू रिपीटेडली डू दैट पोस्चर, वो हो ही नहीं पा रहा था मुझसे. इट वॉज गेटिंग रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू लिफ्ट माई बॉडी अप एंड देन पुलिंग इट डाउन एंड पुटिंग ऑल द प्रेशर ऑन माई हैंड्स, बिकॉज ऑलरेडी दो ढाई महीने मेरे हाथों पर काफ़ी प्रेशर डाला मैंने बाई यूजिंग दैट वॉकिंग फ्रेम इन ऑर्डर टू वॉक, एंड थोड़ी बहुत जो भी मूवमेंट कर रही थी वॉकअप पे उससे हाथों पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है. आई मीन आई डोंट नो हाउ पीपल डू क्रचिंग, बिकॉज बाप रे उसके लिए तो और ज़्यादा हाथों में ताकत की ज़रूरत है, जो कि मेरे हाथों में तो बिल्कुल भी नहीं बची थी दो ढाई महीने से. वो अपने वॉकर को यूज़ करके प्रेशर डालते डालते मेरे शोल्डर्स ने जवाब दे दिया था. तो इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे एक टूटी टांग के साथ सूर्य नमस्कार करते हैं. आई डोंट नो मुझसे कितना ही हो पा रहा है यहाँ पे ठीक से, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट ओवर हियर कि पोस्चर भी थोड़ा ठीक रखूँ. बट आई मीन ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट ईजी टू पुल माई बॉडी वेट, तो वहीं पर जाकर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी. तो जैसा कि देख सकते हो आप लोग, आई एम इन अ लॉट ऑफ पेन एंड 108 सूर्य नमस्कार तो छोड़ो, 8 भी हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझसे 8-10 सूर्य नमस्कार से ज़्यादा हुए नहीं, मतलब मेरी बॉडी ने गिव अप कर दिया भाई. मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कौन लोग हैं जिन्होंने पहले कभी ज़िंदगी में सूर्य नमस्कार नहीं किया और एक बार में 108 सूर्य नमस्कार कर दिया भाई. दैट्स नॉट फॉर रियल. और वो भी फास्ट फॉरवर्ड में धड़ाधड़ सूर्य नमस्कार मारे पड़े हैं. It's not at all possible, जो मुझे समझ आ गया. काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है एंड रेगुलर प्रैक्टिस के बाद ही आप इन अ डे 108 सूर्य नमस्कार इन वन गो कर सकते हैं. एंड दैट टू डूइंग 108 सूर्य नमस्कार फॉर 30 डेज इज़ अ टास्क, इज़ अ बिग थिंग. एंड हैट्स ऑफ टू दैट लेडी जिन्होंने वाकई बहुत अच्छी तरीके से वो सारा कंप्लीट किया, बिकॉज ऑफकोर्स शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग योगा फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. बट जो लोग ऐसे धड़ाधड़ ये फास्ट फॉरवर्ड में सूर्य नमस्कार मार रहे थे, मुझे तो उनके पोस्चर देख के और सब कुछ देख के इतनी हंसी आई थी. ऐसा तो मैं भी कर लूँगी फास्ट फॉरवर्ड में बहुत सारे सूर्य नमस्कार, बट आई डेंट वॉन्ट टू चीट माई सेल्फ एंड आई डेंट वॉन्ट टू चीट माई व्यूअर्स हियर. सो आई हैव केप्ट दिस वीडियो वेरी रॉ एंड वेरी ऑनेस्ट. दिस वॉज माई रियल टाइम एक्सपीरियंस वाइल रिकवरिंग. सो यहाँ पर मैं थोड़े बहुत जो भी मैंने सूर्य नमस्कार किए वो कुछ कुछ फास्ट फॉरवर्ड में आपको यहाँ दिखा देती हूँ. And I'm sharing here my post-fracture recovery with you guys because of all the love that I have been receiving on my cast videos. यस, इसीलिए मैं अपनी ये जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सेम फेज से गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को प्लास्टर लगा हुआ है. एंड आई बीन गेटिंग मैसेजेस एंड आई बीन यू नो ट्राइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड एंड गिव देम पॉजिटिव वाइब्स कि दिस शैल पास एंड जो भी इस फेज से गुजर रहा है विल बी एबल टू वॉक एंड मूव फ्रीली वंस अगेन पहले की तरह. सो दिस इज़ समथिंग मैं बता नहीं सकती कि कैसी सी फीलिंग होती है ना, इतनी एक होपलेसनेस वाली फीलिंग होती है एंड वही समझ सकता है जो इससे गुजरा हो, शायद और किसी को समझ में ना आए. जो बेड पे 2-3 महीने पड़ा हो ना वही इस एहसास को समझ सकता है कि कैसा लगता है जब आप डिपेंडेंट हो जाते हो दूसरों पे एंड थोड़ी सी भी मूवमेंट नहीं कर सकते. छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, इट्स नॉट एट ऑल अ गुड फीलिंग.
और मेरी कोशिश यहाँ पे जारी है ताकि मैं अच्छे से सूर्य नमस्कार कर सकूँ, बट आफ्टर ऑलमोस्ट लाइक 10-11 सूर्य नमस्कार आई गेव अप कम्प्लीटली एंड या आई कुड नॉट कंटिन्यू एनी फर्दर बियॉन्ड दैट। एंड मुझे लगा कि नहीं, अगर मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है तो आई शुड नॉट पुश माई सेल्फ टू एक्सीड द लिमिट बिकॉज अभी आई एम नॉट इन अ गुड हेल्थ सिचुएशन। एंड ऑफकोर्स प्लास्टर कटने के बाद सबसे पहला कंसर्न मेरे दिमाग में यही आया दैट आई नीड टू लूज सम वेट, बट ऑफकोर्स चल नहीं सकती थी बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगा कहीं बैठे बैठे थोड़े योगा पोस्चर्स ट्राई कर सकते, थोड़े योगा कर सकते हैं टू लूज सम बॉडी वेट, बिकॉज मुझे योगा करना एनी वेज बहुत अच्छा लगता है, योगा एंड मेडिटेशन। तो आई एनी वेज यूज टू डू इट व्हेन आई वॉज हेल्दी एंड फाइन, एंड अभी भी मैंने सोचा कि वाई नॉट लेट्स स्टार्ट डूइंग इट, बिकॉज कोविड के टाइम पे इनिशियली जब लॉकडाउन लगा था तब मैं करती थी योगा, फिर वो भी छूट गया, तो लगभग साल डेढ़ साल शायद सब कुछ छूट सा गया बिल्कुल। एंड आई बिलीव द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस योगा इज़ ओली इन द मॉर्निंग, इनफैक्ट जब भी कभी टाइम मिल जाए थोड़ा बहुत मेडिटेशन योगा यू कैन गो फॉर। सो दिस इज़ हाउ वी डू योगा विद अ ब्रोकन लेग। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू डू सूर्य नमस्कार, एटलीस्ट कुछ तो भी करूँ अपने लिए। एंड या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, एंड अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, बिकॉज आई एम पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड योर कॉमेंट्स एंड योर सब्सक्रिप्शन मैटर्स अ लॉट टू मी, इट मीन्स अ लॉट टू मी बिकॉज थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। तो यही बोलना था, सो कैच यू इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन स्टे हेल्दी, एंजॉय योर लाइफ, बाय।